तो आप ये जो साल है आपका, इस साल के जो 3 महीने हैं, सिर्फ जो मेजर चीज सामने आ रही है, जिसको मैं आपको बोल्ड में बोलूंगी, हाईलाइट करके बोलूंगी, जो आज मैंने आपको एक विशेष जानकारी दी है कि इन नंबरों के कौन सा चक्र बिगड़ा हुआ है रहेगा, जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, एनईएफटी प्रैक्टिशनर। मैं बहुत पहले रील्स और वीडियोस डालती थी जब मैं टैरो रीड करती थी। आज मुझे लगा कि ये नया साल आ रहा है, तो जो इनका बर्थडे नंबर 1 को आता है, 10 को आता है, 28 को आता है, तो उनके लिए जनवरी से लेके मार्च तक का महीना कैसे रहने वाला है और हमें कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं। मैं इसको प्रेडिक्शन से ज़्यादा हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं इसको गाइडेंस मानती हूँ, ताकि हम सही करेक्टिव एक्शन ले पाएँ, और जब हम सही करेक्टिव एक्शन लेते हैं तो हमारे काम भी उसी हिसाब से बनते और गलतियाँ नहीं होती। तो देखते हैं कि इन नंबर्स वालों के लिए, 1, 10 एंड 28 वालों के लिए, ये साल के जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कैसे रहने वाला है। आइए हम सब देखते हैं, क्योंकि आप लोग सभी जानने में उत्सुक हैं और बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी भी आ रही थी कि वो बताएं कि भाई ये कैसा रहने वाला है। तो मैं अपने एंजल गाइड्स को सबको यहाँ इन्वोक ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो आके हमें गाइड करें कि कैसा रहने वाला है। अब आप लोगों को इमोशनली डरने की ज़रूरत नहीं है, इमोशनली वीक होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी वजह से इमोशनली वीक हो सकते हैं, कार्ड ये कह रहे हो, या आपके जो लॉसेज अभी 23 में रहे होंगे उसको लेके आप चिंतित होंगे। आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी एनर्जीज को समेटने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कार्ड्स ऐसा लग रहा है, कार्ड्स ये बता रहे हैं कि शायद आपका फोकस ना बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहने वाला। आपका ध्यान 10 चीज़ों में लगेगा, और अगर आपका ध्यान 10 चीज़ों में लगेगा तो क्या होगा कि आप जो फोकस होकर काम करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। आपके जो भी रिलेशनशिप थोड़े स्ट्रेन थे, वो अब स्मूथ लाइन में आ रहे हैं, आ गए हैं, और आप मेंटली भी चाहते हैं कि आपकी फैमिली खुश रहे, साथ रहे, जुड़ के रहे, मिल के रहे। तो आप ये जो साल है आपका, इस साल के जो 3 महीने हैं, सिर्फ जो मेजर चीज़ सामने आ रही है, जिसको मैं आपको बोल्ड में बोलूँगी, हाईलाइट करके बोलूँगी, कि आपको अपनी एनर्जीज को समेट के रखना है, यानी आपको फोकस रखना है। आप 10 जगह दिमाग नहीं घुमाना है, और रिस्क ना लें, किसी से भी ट्रस्ट करे बिना कुछ भी काम कर लेते हैं, ट्रस्ट किए करके ट्रस्ट भी नहीं करना है। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि क्या हो रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कितने आपके विश्वसनीय हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, विश्वास ना करते हुए आप लोगों को समझ के देख के जो भी एक्शन लेंगे वो सही रहेगा। और मुझे एक एनर्जी मिसिंग लग रही है मनी की। आप अपने मनी फ्रिक्वेंसी को हाई करें, आप अपने अर्थ एलिमेंट को हाई करें। जो इस कार्ड में मुझे, इस जो स्प्रेड में दिख रहा है, अर्थ एनर्जी मिसिंग है, यानी हमारा पृथ्वी तत्व। तो उसके लिए हमें एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। हमें किस चक्र का मेडिटेशन करना पड़ेगा, हमें कौन से चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा, हमें मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और इसका मंत्र है लम। लम को एक्टिवेट करेंगे तो हमारी मनी फ्रिक्वेंसी हाई रहेगी। हमें कुछ ऐसा योगा पोस्चर्स करने चाहिए, ऐसे योग का सहारा लेना चाहिए जिससे हमारा वो वाला चक्र जागृत हो जाए। वो जागृत होगा तो हमारी सारी एनर्जीज नीचे से ही ऊपर उठती है। तो अगर वो चक्र जागृत हो गया तो आपका पृथ्वी तत्व तो जागृत होगा, यानी आपकी ग्राउंडिंग होगी, आपकी इनसिक्योरिटीज खत्म होगी, आपके डर खत्म होंगे, आपके पैरों के दर्द ठीक हो जाएंगे, आपके हिप्स के नीचे के जो भी हिस्से हैं, जहाँ भी दर्द है, वो सब ठीक हो जाएंगे। साथ में जो एनर्जी ऊपर उठती है तो आप सारी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली कार्ड्स मुझे इस ने ये गाइड करें कि अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान ना दें, आप अपने रूट चक्रा पे ध्यान दें, नीचे की एनर्जी को ठीक करें, और लव अपने आप आ जाएगा। जब तक हमारे बेसिक सही नहीं होते, जब तक हम अपने जड़ों पे ध्यान नहीं देते, तब तक पौधा भी हरे भरे पत्ते नहीं आते। और हरा कलर होता है हमारे हार्ट चक्रा का। तो अगर आप दिल से टूटे हुए हैं तो उस पर ध्यान ना देते हुए आप अपने रूट चक्रा पे ध्यान दें। रूट चक्रा पे ध्यान देंगे तो आपका हार्ट चक्रा ठीक होगा, आपका नाभि के नीचे वाला जो स्वादिष्टान है, वो जो इमोशंस का, वो भी अच्छा हो जाएगा, आपकी एनर्जी भी हाई हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो कार्ड्स आपको बेसिकली आपके रूट चक्रा पे काम करने को कह रहे हैं, जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है,
10 तारीख को हुआ है किसी भी उसमें, या 28 तारीख को हुआ है। तो जो आज मैंने आपको एक विशेष जानकारी दी है कि इन नंबरों के कौन सा चक्र बिगड़ा हुआ है रहेगा, जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और ये मैं बहुत ही नई तरीके की जानकारी आपके लिए लेके आई हूँ, शायद आपको इस तरह का वीडियो कभी नहीं मिला होगा कि हमारे ये जो नंबर्स हैं ये 3 महीने में कौन से चक्र को डिस्टर्ब रखेंगे और कहाँ हमें काम करना है। अगर हम इस पे काम कर लेंगे तो बाकी चीज़ें हमारी अपने आप बेटर हो जाएगी। उसके बाद वाले महीनों के लिए हम बाद में लेंगे, यानी हम उसको फरवरी में रीड करेंगे। तब तक के लिए आप अपने रूट चक्र पे काम करिए और देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है, कैसे मैनिफेस्ट कर पाते हैं, रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, आपके दर्द गायब हो जाते हैं। ये थी आज की आपकी जानकारी। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9820127053 पे। थैंक यू फॉर बींग हियर। बाय बाय।